बरेली में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, शिक्षक कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बिशप मंडल इंटर कॉलेज में दोपहर 2 बजे लगभग 5,000 की संख्या में कर्मचारी एकत्रित होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर विशाल पैदल और मोटरसाइकिल रैली निकालते हुए जिंदाबाद के नारों के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचने से पहले रास्ते में बरेली जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान राजेंद्र सिंह कोहली, मीडिया प्रभारी संयुक्त मोर्चा, ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संयुक्त मोर्चा द्वारा विभिन्न जनपदों में रैली निकालकर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि अगर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया तो देश का 70 लाख NPS कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। मोर्चा के जिला संयोजक नरेश गंगवार ने संयुक्त रूप से कहा कि संयुक्त मोर्चा ने पेंशन शंखनाद रैली का आगाज कर दिया है, जिसकी आज एक झलक जनपद बरेली में दिखाई गई है। अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन जन आंदोलन के रूप में उतरेगा। और संयुक्त मोर्चा का संयोजक नरेश गंगवार, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये तो अभी अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है, अभी ये शुरुआत है। हमारा 4 संगठन मेन है, जिसमें सिंचाई है, PWD है, पंचायती राज सफाई कर्मी है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है, अटेवा है, छोटे छोटे तमाम संगठन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में लाखों की भीड़ आपको रोडों पर दिखेगी। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। सारे राजनेता चार चार तीन तीन पेंशन ले रहे हैं, तो हमें कौन सी भीख देंगे वो पेंशन? हम चाहते हैं सरकार समय रहते जाग जाए, जिससे कि हम लोगों को सड़क पर ना उतरना पड़े। हम लोग अपना काम करने के बाद सड़क पर उतरते हैं और अपनी पेंशन की लड़ाई में बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। जैसे शिक्षा रामलाल कश्यप, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा बरेली, प्रांतीय एक एक करके मोर्चा के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पेंशन बहाली का शंखनाद रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जौनपुर में हो चुकी है, बाराबंकी में 14 मार्च को हो चुकी है, आज बरेली में हो रही है। अब अगली डेट प्रांतीय नेतृत्व बिजनौर में लगाने जा रहा है। और हमें कहना चाहेंगे, सरकार का ये दोहरा और सौतेला पर रवैया जब तक चलेगा, जब तक पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाएगा, मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा। कितने लोगों साथ में कर्मचारी, कितने साथ में? हजारों, आज हजारों की संख्या में कम से कम 5,000 की संख्या संयुक्त मोर्चा के विभाग से है, PW विभाग से है, पंचायती राज विभाग से है, शिक्षक कर्मचारी है और PW है, महाविद्यालय से है, कई 20 संगठन के साथी आज हमारे साथ। क्या करेंगे? पूरे नहीं होंगे, प्रांतीय संघ के नेतृत्व में, प्रांतीय मोर्चा के नेतृत्व में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का कार्य करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।